वेलकम टू माई क्लास इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम देर आर नंबर ऑफ मैथ फंक्शन गिवन टू अस हे ए लिस्ट ऑफ सम मैथ फंक्शन इज गिवन टू यू ऑल फंक्शन लिस्टेड हेयर आर डिस्क इन सेपरेट वीडियो लेक्चर लेट इट इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं मैथ्स के दो फंक्शंस को टेकऑफ करूंगा सीलिंग डॉट मैथ वर्सेस फ्लोर डॉट मैथ फंक्शन आईगा मूव करते हैं एक क्वेश्चन की तरफ इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर मैं सीलिंग डॉट मैथ और फ्लोर डॉट मैथ दोनों फंक्शंस को टेक अप करूंगा सबसे पहले हम इनके पर्पस को देखते हैं सीलिंग डॉट मैथ इट राउंड से नंबर अप टू नियरेस्ट इंटीजर आर टू दियरेस्ट मल्टीपल ऑफ सिग्निफिकेंस फ्लोर डॉट मैथ के केस के अंदर इट राउंड से नंबर डाउन टू नियरेस्ट इंटीजर आर टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ सिग्निफिकेंस मैं ये अभी नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ सिग्निफिकेंस का मीनिंग आपको नीचे क्लियर कर दूंगा इन दोनों फंक्शंस के हमें सिंटेक्स यहां पर दिए गए हैं दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैं और आर्ग्यूमेंट भी सिमिलर हैं द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज नंबर द नंबर विच वी वॉन्ट टू राउंड जिस पर्टिकुलर नंबर को हम राउंड करना चाहते हैं The second argument is significance, the multiple to which we want the number to be rounded off. Significance is an optional argument. Significance के अंदर हम ये बतलाएंगे कि हमें round off किस multiple के अंदर करना है, 10 के multiple के अंदर, 100 के अंदर या thousands के अंदर. The third argument is mode. This is again optional. It determines whether Excel rounds negative number towards or away from zero. मैं अभी इसको आपको नीचे एक्सप्लेन कर दूंगा पहले मैं इस जगह पर कुछ इनपुट्स लेके आपको इन चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर मैं आर्बिट्रेरी बेसिस के ऊपर कुछ फिगर्स को टेक अप कर रहा हूँ सेवन एट सिक्स थ्री द नेक्स्ट इज फाइव वन थ्री सेवन द नेक्स्ट कमीशन अमाउंट इज सिक्स नाइन डबल वन अब ये मेरे पास एक छोटी सी टेबल कंप्लीट हो गई जिसके अंदर दो कॉलम है एक मंथ का और दूसरा कमीशन के अमाउंट का मुझे इस कमीशन के अमाउंट के ऊपर सीलिंग डॉट मैथ और फ्लोर डॉट मैथ फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना मल्टीपल ऑफ थाउजेंड्स और फ्लोर डॉट मैथ इस पर्टिकुलर अमाउंट को डाउन कर देगा इन मल्टीपल ऑफ थाउजेंड्स इसी तरह से हम आगे हंड्रेड और टेन की सिग्निफिकेंस को भी कवर करेंगे सो so मैं यहां पर इस फंक्शन को स्टार्ट कर रहा हूं दिस इज इक्वल्स टू सीलिंग डॉट मैथ द फर्स्ट आर्गुमेंट इज नंबर नंबर के केस के अंदर मैंने ये कमीशन का अमाउंट दे दिया दैट इज गिवन टू अस इन सेल नंबर जी एट कॉमन द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज सिग्निफिकेंस सो मैं यहां पर वन थाउजेंड दे रहा हूं इसके बाद नेक्स्ट आर्गुमेंट है मोड का इस मोड के आर्गुमेंट को मैं यहां पर टेकअप नहीं करूंगा बट नीचे मैं आपको एक्सप्लेन बाद में कर दूंगा आई क्लोज पेरेंस आई एंटर स्टूडेंट लुक एट दिस नंबर सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड सिक्सटी थ्री सीलिंग डॉट मैथ फंक्शन ने इसको अप कर दिया इन सिग्निफिकेंस ऑफ वन थाउजेंड वन थाउजेंड के मल्टीपल के अंदर इसको अप कर दिया मैं इसी फंक्शन को नीचे कर रहा हूं यहाँ पर अमाउंट मेरे पास 5137 है तो सीलिंग डॉट मैथ फंक्शन ने इसको भी 1000 की सिग्निफिकेंस के अंदर इसको अप कर दिया मैं फिल हैंडल को नीचे ड्रैग करता हूँ मेरे पास मार्च के अंदर कमीशन का अमाउंट था 6911 सीलिंग डॉट मैथ फंक्शन ने इस अमाउंट को 1000 के मल्टीपल के अंदर अप कर दिया अब इस जगह के ऊपर मैं यहाँ पर फ्लोर डॉट मैथ के फंक्शन को टेक अप कर रहा हूं द फर्स्ट आर्गुमेंट इस नंबर तो नंबर के अंदर मैंने g8 की वैल्यू को पास कर दिया कॉमा द नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस के अंदर हमारे पास ये 1000 की सिग्निफिकेंस है तो मैंने यहां पर 1000 दे दिया पेरेंथेसिस क्लोज आई प्रेजेंट फ्लो डॉट मैथ के फंक्शन ने इस अमाउंट को नीचे की तरफ पुश कर दिया यहां पर हमारे पास वन थाउजेंड के मल्टीपल में आंसर आना चाहिए था तो ये कमीशन की वैल्यू सेवन थाउजेंड गई। आप देखिएगा फाइव थाउजेंड वन थर्टी सेवन भी फाइव थाउजेंड हो गया सिक्स थाउजेंड नाइन हंड्रेड इलेवन ये सिक्स थाउजेंड पर आ गया सिमिलरली अब इस जगह के ऊपर मैं हंड्रेड के मल्टीपल के अंदर आंसर चाहता हूं दिस इज इक्वल्स टू सीलिंग डॉट मैथ्स नंबर के अंदर मैंने कमीशन के वैल्यू को दे दिया इन द मंथ ऑफ जनवरी जी एट कॉमा सिग्निफिकेंस के अंदर मैं यहाँ पर हंड्रेड वैल्यू दे रहा हूँ अब आप स्टूडेंट देखिएगा यहाँ पर ये यह हंड्रेड के मल्टीपल के अंदर हमारे पास आंसर आ गया मैं फिल हैंडल को नीचे ड्रैग कर रहा हूँ ये सारे आंसर हमारे पास इन मल्टीपल ऑफ हंड्रेड आए हैं द नेक्स्ट वन इज फ्लो डॉट मैथ्स आर्गूमेंट के अंदर मैंने ये जनवरी का कमीशन का अमाउंट दे दिया गिवन टू अस इन सेल नंबर जी एट कॉमन सिग्निफिकेंस के अंदर मैं यहाँ पर हंड्रेड की सिग्निफिकेंस को दे रहा हूँ एट हंड्रेड सिक्सटी थ्री कमीशन का अमाउंट था और इसको फ्लोर डॉट मैथ्स ने नीचे की तरफ पुश कर दिया तो ये अमाउंट हमारे पास सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड आ गया ये सारी वैल्यूज हंड्रेड के मल्टीपल्स के अंदर हमारे पास आ गई लेकिन ये वैल्यूज नीचे की तरफ जा रही हैं लास्ट में मैं सीलिंग डॉट मैच के फंक्शन को टेक अप कर रहा हूं इसके अंदर मैंने फर्स्ट आर्गुमेंट नंबर देना है दिस इज द जनवरी कमीशन अमाउंट गिवन टू अस सेल नंबर G8 अब ये मुझे मल्टीपल ऑफ 10 के अंदर चाहिए पेरेंथेसिस क्लोज आई प्रेस स्टूडेंट नोट कीजिएगा सीलिंग फंक्शन अप कर देगा लेकिन यहां पर अप करना है इन मल्टीपल ऑफ 10 तो इन मल्टीपल ऑफ टेन के अंदर सिक्सटी थ्री का यहां पर ये यह सेवनटी हो गया मैंने फिल हैंडल के थ्रू नीचे ड्रैग कर दिया अब मैं यहां पर फ्लो डॉट मैथ्स के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं जनवरी के कमीशन अमाउंट को मैंने पास कर दिया कॉमा, टेन आई एंटर। जनवरी के महीने के अंदर हमारे पास कमीशन का अमाउंट था सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड सिक्सटी थ्री इसको टेन के मल्टीपल के अंदर नीचे कर दो तो यहां पर यह अमाउंट आ गया सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड सिक्सटी और स्टूडेंट मार्च के महीने के अंदर देखिएगा सिक्स थाउजेंड नाइन हंड्रेड इलेवन है इसको टेन के मल्टीपल के अंदर डाउन कर दो तो ये वैल्यू आ गई सिक्स थाउजेंड नाइन हंड्रेड टेन अब मैं आपको ये मोड के बारे में कुछ चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं सीलिंग डॉट मैथ फंक्शन राउंड पॉजिटिव नंबर अवे फ्रॉम जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स टूवर्ड्स जीरो ये तो इसका नॉर्मल फंक्शन है अगर हम चाहते हैं कि नेगेटिव नंबर अवे फ्रॉम जीरो हो जाए उस केस के अंदर हम यहाँ पर इस ऑप्शनल आर्गूमेंट को यूज कर सकते हैं बट इफ यू वॉन्ट टू राउंड नेगेटिव नंबर अवे फ्रॉम जीरो अगर आप चाहते हैं कि नेगेटिव नंबर जीरो से दूर चले जाए तो आप यहाँ पर मोड के आर्गूमेंट को एंटर कर सकते हैं सिमिलरली फ्लोर डॉट मैथ फंक्शन ये पॉजिटिव नंबर को जीरो के नजदीक ले आएगा और नेगेटिव नंबर को जीरो से दूर ले जाएगा लेकिन अगर आपको इसका रिवर्स करना है लाइक इफ यू वॉन्ट टू राउंड नेगेटिव नंबर टू आर्ट जीरो अगर आप नेगेटिव नंबर को जीरो के नजदीक लाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप मोड के आर्गूमेंट को एंटर कर सकते हैं विद एनी नॉन जीरो वैल्यू हमने अपने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर इस मोड आर्गूमेंट को कवर अप नहीं किया स्टूडेंट मैं उम्मीद करूंगा ये छोटा सा क्वेश्चन आपको इन दोनों फंक्शन को अंडरस्टैंड करने के अंदर हेल्पफुल साबित होगा थैंक यू वेरी मच